हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। अब अगर कोई पर्सन नहीं हुआ तो दिस कुड बी अ सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के रिवील होने पे पता चलेगा कि कोई पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा या कोई सिचुएशन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। बट आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल ताकि थंबनेल में जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि टैरो की ब्यूटी यही होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फिक्स टाइटल के साथ रीडिंग स्टार्ट करें, लेकिन जो उसमें कार्ड्स पॉपअप होकर आते हैं तो वो एनर्जी को रिवील करते हैं और सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ट्रांसफॉर्मेशन है और डार्क थॉट्स है, यहाँ से तो लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकेंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग्स लेने के लिए प्राइवेट कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक ही है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून या वॉट इज कमिंग टू यू वेरी सून। अब देखते हैं कि दोनों में से क्या चीज़ आती है। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा या क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? डिक्रीज और राइट सीक्रेट टेम्पल, कोई सिचुएशन है और सिचुएशन से बढ़कर ये एक मेगा इवेंट होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में पर्सन नहीं है, ओवरऑल एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी सख्त सा तजाद, ठीक है, तजाद से भी ज़्यादा इख्तिलाफ कहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को इख्तिलाफ कहते हैं और डिस्प्यूट को तजाद कहते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इख्तिलाफ जिसको रिजॉल्व करते करते, यानी अगर मैं इस वक्त अगर आपको एक बात कहूँ ना, मौला अली का कौल अगर मैं यहाँ पर इस वक्त कोट कर दूँ तो बात ख़त्म हो जाएगी। मौला अली का कौल है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप किसी के साथ नेकी करें, जो कि आप करेंगे, और उस नेकी के बदले में अगर आपको बदी मिले जो कि कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में मिलेगी, तो समझिए आपकी नेकी कबूल हो गई। अब आप इन कार्ड्स को ज़रा गौर से देखें, ठीक है। हालांकि इस इख्तिलाफ़ में आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आपको बहुत अफसोस होगा, आपको बहुत लॉस फील होगा, आपको लगेगा कि क्या इनको दूर कर देना, इनको अलग कर देना, अपने से हटा देना यही एक हल था। क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस जगह से बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है कि आप किसी को अपने आप से दूर कर रहे हैं, आप किसी को आज़ाद कर देंगे। एक ऐसे इंसान को जो आपके साथ जुड़ा हुआ था लेकिन वो बस मजबूरी में ही जुड़ा हुआ था, जैसे ही आपने उसको आज़ाद किया उसके पर खुल गए और उसने जहाँ जाना था वो चला गया। तो ये एक इख्तिलाफ़ है, इस इख्तिलाफ़ को ये एक सूरत हाल होगी जो बहुत जल्द आपकी तरफ आएगी। तो अब उस इख्तिलाफ़ में उसको रिजॉल्व करते करते आप देखेंगे तूफ़ान की तरफ चला जाएगा, यानी ऐसा बोछाल आएगा कि आप इसको हल करते करते आपको लगेगा कि चीज़ें नहीं संभलेंगी, चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी कि या तो मैं गिर जाऊँ या मैं उलट जाऊँ या फिर जीने मरने वाली बात, और इख्तिलाफ़ इस हद तक बढ़ जाएगा कि शायद दिल में खटास और रिश्ता टूटने तक की बात आ जाए, यानी इस हद तक होगा। लेकिन आपकी आला ज़र्फ़ी इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना टेम्पर डिक्रीज़ कर देंगे, आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिसकी वजह से ये मामलात थम जाएंगे, आप इम्पल्सिव नहीं होंगे, और ये शायद ख़ुद ब खुद ही होगा। और जो कॉल मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का इस वक्त कोट किया है, मुझे इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत बात और कोई नहीं लग रही कि यही वो चीज़ है और यही वो रिवॉर्ड होगा जो हो सकता है एक हद तक एक वक्त में इससे गुजरना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा आपका? किसी अपने के साथ होता होगा तो फिर तो तकलीफ़ की कोई हद ही नहीं होगी, और अगर ये किसी गैर के साथ भी होगा तो कम से कम आपकी उससे उम्मीद ज़रूर बंधी हुई होगी,
और वहाँ पर जब वो इख्तलाफ होगा जो कि नेकी के मद में होगा, आपने बहुत कुछ उसके साथ किया होगा, उसके लिए किया होगा, लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं उसके बदले में मिलेगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुक़दस मकाम की ज़्यारत पर, किसी बुलावे पर, किसी विज़िट पर, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, आपको कोई ना कोई ऐसा एक मिराक्युलस फीलिंग आपके साथ ज़रूर होगी जो कि आपको ये इंडिकेट कर देगी कि ये उस तकलीफ़ और उस आजमाइश का, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो नतीजा है। तो अ हैपनिंग, अ सिचुएशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक सूरत हाल आपकी तरफ आ रही है और वो सूरत हाल आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घेरेगी, वो सूरत हाल आपको बहुत सारे इख्तलाफात में घेरेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़े, आपकी जो ट्रैक है आपको उससे हट के काम करना पड़े, सब चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं और उसमें ही आप कोई ना कोई अपना बिग लॉस, एक बिग लॉस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा होगा कि आपने ये स्टेप लिया फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सेक ऑफ सो मैनी पीपल, एंड देन ऑटोमेटिकली उसका रिवॉर्ड आपकी तरफ आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रहा है कि देर इज़ अ इवेंट कमिंग टू यू, देर इज़ अ चैलेंज कमिंग टू यू, एंड अ काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी जो कि खुद ब खुद बनेगी, आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट सी कि ये बिल्डअप कहाँ से हो रही है, देखते हैं। What is coming to you very soon? Stability, flow, harmony. See, आप हालात को ठीक करेंगे, सिचुएशन को ठीक करेंगे, ट्रुथ। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। रेजिस्टेंस, क्लोज ऑफ, गार्डेड। आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन हाँ एक और कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, नर्चर, डेफिनेटली आप किसी एक ऐसे इंसान के हाथों ये सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे जिसके साथ आपने बहुत भला किया है, जिसके साथ आपने बड़ी नेकी की है, जिसके साथ आपने बड़े बुरे वक्तों में उसका साथ दिया है, और वो कायम रहे, वो स्टेबल रहे, वो अपनी जगह पर खड़ा रहे, आपने एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह उसके साथ आप रहे हैं। लेकिन ये जो हैपनिंग आपके साथ होगी, ये जो इवेंट आपके साथ होगा, ये आंखें खोल देगा आपकी, आपके ऊपर सच्चाई का ना ऐसा ऐसा तमाचा पड़ेगा सच्चाई का कि आपको लगेगा कि ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दूसरा, नुकसान आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो देखें आपकी प्रैक्टिसेस में ये है कि आप इंटेंशनली लोगों के भले के लिए कुछ करते हैं, वो रिवॉर्ड में आपको क्या दें, ये उनका अपना ज़मीर है, ये उनका अपना ज़र्फ है। लेकिन कुछ लोग आपको आपके चुप रहने पर, आपके क्वाइट रहने पर, आपके आइसोलेट रहने पर, आपके रेजिस्ट ना करने पर, लोग आपको बुजदिल समझते हैं, लोग फट्टू समझते होंगे कि अरे इनमें दम नहीं है, जबकि शायद मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पहले शायद आप ऐसे नहीं होते होंगे, आप किसी को भी उठा के पटक देते होंगे, लेकिन अब आप बहुत हद तक बदल गए हैं। अब आप खामोशी, मेच्योरिटी की जो बात होती है, जब कहते हैं इंसान मेच्योर हो जाता है, तो वो एंगर के बजाय रेजिस्टेंस पर, क्लोज्ड आउट होने पर और क्वाइट होने पर जो है वो ज़्यादा फोकियत है, उसको बर्तरी देता है। तो यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप आपकी खामोशी को, आपके आइसोलेट हो जाने को, आपके कट जाने को, आपके वहाँ से हट जाने को इंसान समझेगा, देखो सच नहीं सुना गया, ये उसका परसेप्शन होगा जो आपके साथ ये इवेंट क्रिएट करेगा। ये जो भी है, इसको जब आप रिलीज़ कर देंगे ना अपने पास से, तब इसको पता चलेगा। अभी तो आप इसको बहुत सपोर्ट सिस्टम के लिए हैं और आप देख नहीं सकते, मसला ये कि आप इस इंसान को मुश्किल में देख नहीं सकते, आप बाकियों को भी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास होगी थोड़े दिनों में, जो आपके सामने आएगी,
ये एक ऐसे इंसान की तरफ से होगी जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये कभी मुश्किल में पड़े। होता है बहुत ही क्लोज, कोई क्लोज होता है या बहुत ही क्लोज वंस या लव वंस होते हैं, इंसान सोच ही नहीं सकता कि मैं कभी इसको इसको इस मुसीबत में देखूँ, मैं कभी इसके साथ प्रॉब्लम में इसको फेस होते हुए देखूँ, तो ये चीज़ होगी। लेकिन यही इंसान आपको जो है ना तमाचा ज़ोरदार पड़ेगा, जिसमें आपकी तबीयत सुतरी हो जाएगी जिसे कहना चाहिए। बट एक्सपीरियंस है, अल्लाह ताला हर किसी के एक्सपीरियंस के ज़रिए ही उसको अक़ल व फ़हम देता है। तो ये इस बात के लिए आप तैयार रहें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ईजी नहीं होगा, ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से होगा जिसको आप बिल्कुल उंगली पकड़ के, जैसे वालदैन करते हैं ना उंगली पकड़ा कर लेकर चलते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, और वही आपको कोई ऐसा भंड देगा कि आपको लगेगा कि यार मैंने इसका तो गला ही दबा देना चाहिए था। बट नेकी कर और दरिया में डाल, ये इतनी उम्र गुजरने के बाद मुझे भी अब अंदाज़ा होता है कि भाई ये दरिया में डालने वाली बात यही है कि नेकी करके किसी को उसको अपने लॉग में मेंटेन नहीं करना चाहिए। नेकी वाकई कर ली तो छोड़ ही दो, वो अल्लाह ताला के खाते में आप अपने अकाउंट में फ़िक्स करवा दें कि खुदा ताला तू मुझे इसका रिवॉर्ड दे और तू ही मुझका इसका अवॉर्ड दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सिचुएशन मैंने क्लियर कर दी। अब इसका एक सोशल इम्पैक्ट देखते हैं कि ये बिल्डअप तो यहाँ से हो रही है, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसका कहाँ से कनेक्शन फिट हो रहा है। What is coming towards you? ये what is coming towards you बन गया, who will contact you से, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी इसको रखूँगी कि who will contact you or what will happen very soon? कौन आपसे बहुत जल्द contact करेगा या क्या आपके साथ होगा, ये देखते हैं। Who will contact you very soon या what will happen with you very soon? Privileged lady नंबर 12, अच्छा तो नहीं यार, लाइट का थोड़ा सा हो रहा है कि लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही है, देखते हैं भाई, सॉरी ये इतना स्पार्कलिंग लाइट हो गई है इसकी। थीफ, ओके, वेल्दी मैन, इवन देन 12, 13 और 24, आप दोनों को बहुत कोई सीक्रेटली स्पाई करता है, कोई कर्जा मांगेगा आप लोगों से, और कर्जा मांग के कॉन्फ्लिक्ट तो खैर होता ही है। थोड़े दिनों पहले भी एक जगह मैं बात ये कोट कर रही थी, और बहुत पहले मैंने अपनी रीडिंग्स में भी बताई थी कि आजकल तो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर होते हैं, आप किसी को पैसे दे दें और फिर वो आपके साथ पैसा वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी को पैसे दिए, लिखत पढ़त नहीं की, और अपने पैसे दिए तो और मांगना मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही वहाँ से होगा, कोई आपसे पैसे मांगेगा, और ये ऐसे आपसे पैसे मांगेगा कि जैसे वो अपने पैसे आपके पास रखवा के गया था। बुरे हालात में है ये पर्सन, और इसका टैक्टिक बन गया है कि अपनी गुर्बत को कैश कराओ, अपनी मुफलसी को कैश कराओ, और इसने खुद कहीं किसी से पैसे लिए हुए हैं। वो पर्सन बहुत तगड़ा है जिसने इसकी ठीक ठाक बजा दी है, और उसके बजाने की वजह से ये आपको अप्रोच करेगा। या तो ये आप अगर मेल हैं तो आप इधर आ जाइएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आप इधर आ जाइएगा। दोनों कैरेक्टर्स आ गए, एक अमीर आदमी और एक प्रिविलेज लेडी, और दोनों में से कौन ये सोशली बिल्डअप हो रही है सिचुएशन, कोई एक आदमी है। अच्छा, आपके वेयर अबाउट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, लोगों को आपके लाइफस्टाइल से आजकल लग रहा है कि जैसे आपके पास पैसे आए हुए हैं, तो ये पैसे ही का लेन देन होगा अभी तक तो, ठीक है। ग्रेट फॉर्च्यून देख लीजिए, ये ग्रेट फॉर्च्यून की बात है, इसका मतलब किसी को पता है कि आपके पास पैसे आए हुए हैं, और ये आपके सर्कल के ही लोग होंगे, और घर का कोई मामला है, घर का कोई बंटवारा है, कोई हिस्सा है, उसके पैसे आने वाले हैं, और वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर, यानी कोई इसमें स्टोरी नरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जो इतने क्लीन कार्ड्स हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो भी क्रिएट होगा, कोई बहुत ही क्लोज वन आपके साथ जो है ना बैंड बजा देगा, आपकी बातें सुना के, ताने देकर, गुर्बत के रोने रोकर, और ऐसे करके कि जैसे बस उसकी तो ज़िंदगी को बिल्कुल ही सत्यानाश अल्लाह माफ़ करे हो गया, और बस तुम ही करो, और कि तुम्हारे ही बस में है, तुम ही कर सकते हो, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे पास तो हैं, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, ब्ला 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 फलां टिम का ये वो, और बिल्कुल लिटरली ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बिल्ड, इतना हीट अप हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ आप ही की वजह से शायद इसकी ज़िंदगी में मसला उठा है।
तो हो सकता है ये जिस पर्सन से इनका लेन देन हुआ हो वो हो ही इतना ही तगड़ा किस्म का कि डेफिनेटली ये मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू या फिर हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि एक तो सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है जो सिचुएशन चैलेंजिंग होगी। अब हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून ये ब्लेंड हो गई, ब्लेंड होने में जो सिचुएशन आ रही है उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ उसमें साफ पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट करेगा ही एज अ पर्सन जो कि इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में है, और इसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की वजह से नेकी जो है वो जो दरिया में जाएगी वो दरिया ऐसा ही होगा जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कश्ती हिल रही है। तो विदाउट विदाउट एनी डाउट दिस इज गोइंग टू हैपन थ्रू अ पर्सन जो कि आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और फिर ये सिचुएशन आपकी तरफ आ जाएगी। अब बड़ी ट्रिकी सी बात है कि एक तो ये पता होना कि ये होगा, ठीक है, अगर ये होगा तो खुदा ताला आपको साबित कदम रखे, आप बड़ी बहादुरी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जिसको कहना चाहिए आप इसको फेस करें, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एडवाइस देती हूँ व्हाट यू शुड डू इन सच सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या एटलीस्ट एक्सपेक्टेडली आप क्या कर सकते हैं जिसमें आप अपना थ्रेशोल्ड ना आपका टूटे, बर्दाश्त आपकी ना टूटे और आप तरीके से इस मसले को हल कर सकें। वैसे भी हमारी ज़िंदगियों में इतने लोग आते हैं और आकर जो है वो इतना सब कुछ ले जाते हैं, दे जाते हैं, तजुर्बे दे जाते हैं, एक्सपीरियंसेस, लेसन्स, फिर भी ये चेन है, ये ज़िंदगी का तरीक़ाकार है। लेट्स सी मोर, ये रिसीविंग एनर्जी में एक्चुअली आप ना माजरत के साथ रिसीविंग एनर्जी में जब आप हैं तो माजरत के साथ आप लोगों को खुशामदेद करते हैं कि आ बैल मुझे मार, एक तो ये बड़ा मसला है, लोगों को यकीन है कि आप उनकी मदद किए बगैर नहीं रह सकते, मतलब डीप नोइंग इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन, मिल्क एंड हनी, ओ माय गॉड दिस इज सो स्ट्रेंज। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नो डाउट रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब जो शुरू के तीन कार्ड्स आए थे वही ये तीन कार्ड्स हैं, तो आपके लिए एडवाइस जो है ना वो आपके इसी इसी स्टेटमेंट में छुपी हुई है जो मैंने शुरू के तीन कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास होगी, गाइडेंस आपके लिए यही है कि ये आप इसको हटा नहीं सकते, ये होगी आपके साथ, ठीक है। अब आपने अपने लिए करना क्या है कि आप अपनी तसल्ली के लिए हर तरह का पेपर वर्क कर लीजिएगा, और एक इत्मीनान आपको ये होगा कि मैंने अपनी अपना 100% दिया, टेंजिबल फॉर्म में, कॉन्क्रीट फॉर्म में, दुआ की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में, सपोर्ट की फॉर्म में, जैसे भी किया, मामले की तह तक जाइएगा, डीप नोइंग, ठीक है, एंड कर दीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो आपकी इस्तात में हो वो कर दीजिएगा, मॉरल सपोर्ट हुई, शोल्डर हुआ, इमोशनल सपोर्ट हुई, पैसे हुए, जित जो आप कर सकते हैं आप कर दीजिएगा, आपकी नेकी रायगा नहीं जाएगी, आपको इसके बदले में उससे बेटर मिलेगा, ठीक है। तो बैठे बिठाए वेलकम मत कीजिए, सेरेंडिपिटी आई है, बैठे बिठाए वेलकम मत कीजिए, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पे खुद ही रिवील होने दीजिए कि ये कैसे आपके सामने आए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून और वॉट विल हैपन सून, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल इवन फॉर द सिंगल रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय।